एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। महासमुंद में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया वृद्धाश्रम इंदिरा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। लोकार्पण के कुछ महीने बाद ही आश्रम भवन में दरारें आ गईं, वहीं बारिश के चलते भवन सीपेज होने लगा है और इसी वृद्धाश्रम भवन का निर्माण महासमुंद नगर पालिका ने वार्ड क्रमांक 11 में कराया था, जिसका लोकार्पण मंत्री कवासी लखमा ने जून महीने में ही किया था। पूर्व पार्षद वर्तमान पार्षद ने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि अनिवार्य होने के बावजूद यह भवन बिना रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के तैयार कर प्रभारी मंत्री से लोकार्पण करा दिया गया। नई मामले में नगर पालिका के आला अधिकारियों ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वृद्धाश्रम जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसमें इंजीनियर ई और सीएमओ की मनमर्जी के चलते वृद्ध लोगों के रहने की बजाय उनको मौत के घाट उतारने का एक जो षड्यंत्र जो है नगर पालिका के अधिकारियों ने किया है, उसको बड़े झाड़ के जंगल में बना दिए हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे निर्माण कार्य बहुत ही अनियमितता है, बिल्डिंग पूरा दरक गई है, पूरा क्रेक मार दिए, साल भर भवन जो है वो टूट फूट हो करके जर्जर हो जाएगा और शहर कितनी दूर है कि वहाँ कोई रहने भी नहीं जाएगा। वृद्धाश्रम का निर्माण और उसकी क्वालिटी और उसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग और विद्युत की व्यवस्था का उसका मैं भी अभी कल ही ज्वाइन किया हूँ और ये सभी पहलुओं पर इसको निरीक्षण करने के बाद और नस्टिक और लोकन करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा।